नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूँ रामरूप शर्मा। और बच्चों, आज से जो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है वो 2023 को टारगेट बनाकर बनानी शुरू कर दी है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2023 में दो अटेम्प्ट होंगे और पहला अटेम्प्ट होने के चांस अप्रैल में ज्यादा है। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए कि आप ये मान के चलिए कि जो पहला अटेम्प्ट होगा वो जनवरी के लास्ट वीक में हो जाएगा, ताकि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। स्ट्रेटजी हमारी तब खराब हो जाती है जब हम भागदौड़ में लग जाते हैं। तो स्ट्रेटजी का बनाना बहुत जरूरी है, उसको फास्ट करना है या स्लो करना है या फिर एक्सटेंड करना है, ये फिर डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो बच्चों, मैं बता रहा था कि 2023 जो एग्जाम अप्रैल के लास्ट वीक में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पहला जो एग्जाम होगा 2023 का जेईई मेन का। लेकिन आप ये मान के निश्चित कर चलिए कि पहला एग्जाम जनवरी के लास्ट वीक में होगा। आज मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, और ये क्लासेस हमारी चल भी रही है, दो तीन दिन बाद रेगुलर ही चल जाएंगी। तो 100% हम जनवरी से पहले पहले ये पूरा सिलेबस कराएंगे। फिर भी आप नोट कर लीजिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और लगातार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये मेरी गारंटी होगी कि 30 क्वेश्चन में से कम 23 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, जबकि टोटल क्वेश्चन आप 25 ही करने होते। और तीन दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लगातार यहां पर बताऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी और फिजिकल केमिस्ट्री से भी, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं यहां पर बताऊंगा और आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी यहां पर जरूर बताऊंगा। नोट कर लें अच्छे तरीके से कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर्स जिन्हें हम हैवी वेटेज या हाई वेटेज कह सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों पी ब्लॉक का चैप्टर। ये चैप्टर एनसीईआरटी से भी अगर आप डिटेल्ड कर पाएंगे तो भी काफी रहेगा। उसके बाद में पी ब्लॉक के बाद में डी ब्लॉक करें, है ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले डी ब्लॉक कर लें, वो थोड़ा छोटा पार्ट है, फिर पी ब्लॉक कर लें, वो आपकी मर्जी है। इजी से हार्ड की तरफ हम चलेंगे। और फिर उसके बाद में आएगा पीरियोडिक टेबल। ये जो तीन चैप्टर मैंने आपको बताए, इन तीन चैप्टर में से दो क्वेश्चन 100% निश्चित हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि तीन चैप्टर से तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है क्वांटम नंबर्स। 10th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हमारे यहां पर भी यहां पर यूट्यूब पर भी ये चैप्टर हो चुका है क्वांटम नंबर। वहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल टाइप में भी आ जाता है, तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दो क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग से जेईई मेंस के दोनों सेमेस्टर में, यानी कि दोनों पार्ट में मिलेंगे, यानी कि चाहे पहले अटेम्प्ट में चाहे तो दूसरे अटेम्प्ट में। अगला जो चैप्टर है जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कैलकुलेटिव चैप्टर है, हमारे यहां पर हो चुका है तो आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेटलर्जी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में है मोल कंसेप्ट बच्चों, इंटीजर टाइप में एक क्वेश्चन जनरली आता है, और मोल कंसेप्ट से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक इंटीजर टाइप में और एक नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला चैप्टर जो काफी आसान भी है और बिना उसके केमिस्ट्री का करना भी मुश्किल है, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, सॉलिड स्टेट से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सरफेस केमिस्ट्री से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और साथ की साथ जो आपके बायो मॉलिक्यूल है वहां से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा बच्चों, वहां से दो क्वेश्चन निश्चित रूप से लगातार आ रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करूं मैं तो अल्कोहल और फिनॉल और ईथर, यहां से एक क्वेश्चन 100% निश्चित है। एमाइंस अगर आप और कर लेंगे तो आपके दो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट
हाइड्रोजन। तो ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया बच्चे, इजी टू हार्ड की तरफ बताएं, ताकि आपको पढ़ने में मजा आता रहे। केमिस्ट्री के बिना ज्यादा मार्क्स लाना यानी कि 150 प्लस स्कोर करना इम्पॉसिबल है बच्चों। तो अगर आप 150 प्लस स्कोर करना चाहते हैं 300 में से, तो केमिस्ट्री को सबसे आगे रखिएगा। केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि केमिस्ट्री जिस तरीके से 180 मिनट आपको मिलते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के पार्ट में 60 मिनट आते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी अच्छा पार्ट है कि ये 30 से 40 मिनट में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन आप इसमें ले सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो के साथ में पूछ सकते हैं। मैंने अपना पेटीएम नंबर भी वहां पर लिंक किया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी लिंक किया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग और एनीथिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल, देन यू शुड कंट्रीब्यूट और यू कैन कंट्रीब्यूट हियर। माय पेटीएम नंबर इज गिवन हियर। तो ये चैप्टर से 30 से 40 मिनट में ये हो जाएंगे। मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चन में से कम 22 या 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। टोटल आपको क्वेश्चन 25 अटेम्प्ट करने होंगे। हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब हमने स्टार्ट कर दिया है 2023 के लिए हंगामा, और 2023 को हम 100% कवर करेंगे। जितने भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते आप हमारे चैनल पर जुड़वा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।